हेलो एवरीवन, हाँ दिस इज सिमरन। जैसे कि हम लोग बीएड की पैडागॉजी कर रहे थे फिजिकल साइंस की, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक है हमारा ब्लॉम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। राइट, एज द वर्ड सजेस्ट कि ब्लॉम्स टैक्सोनॉमी मींस कोई बंदा है ब्लॉम्स, उसकी टैक्सोनॉमी है ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो क्या है, बंदे का पूरा नाम है हमारा बेंजामिन एस ब्लॉम। ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एज अ एडिटर काम करते थे, और इसकी बुक जो थी, कौन सी बुक के लिए एडिटर थे ये, कौन सी चीज़ के लिए एडिटर थे, दैट इज़ टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसके अंदर इट वॉज नोन एज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स क्रिएटेड बाय द कमिटी ऑफ द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनर। इसके अंदर जो हमारी ये जो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, इसके अंदर जो है क्लासिफिकेशन दी गई है एजुकेशन गोल्स के ऊपर, ठीक है, जो कमेटी ने, कॉलेज की कमेटी ने और यूनिवर्सिटी एग्जामिनर्स ने बनाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी क्या होता है। टैक्सोनॉमी मतलब एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज़ योर टैक्सोनॉमी। जो हमारा जिस इस तरह से टैक्सोनॉमी जो है, ये ब्लॉम्स की जो टैक्सोनॉमी है, ये प्रेजेंट करती है एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। किस चीज़ के क्लासिफिकेशन को? ऑब्जेक्टिव्स के क्लासिफिकेशन को। जो हमारी टैक्सोनॉमी है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की, ये डिफरेंट एजुकेशनल गोल्स के साथ बेसिकली थ्री मेन डोमेन्स के अंदर क्लासिफाई की गई है। फर्स्ट इज़ कॉग्निटिव, सेकेंड इज़ अफेक्टिव, थर्ड इज़ साइकोमोटर डोमेन। राइट, कॉग्निटिव जो डोमेन है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो रिलेट करता है हमारा रिकॉल करने से किसी नॉलेज को या रिकग्नाइज करने से। ठीक है, इसके अंदर कॉग्निटिव के अंदर जो टैक्सोनॉमी है वो छह मेजर कैटेगरीज में आती है। फर्स्ट जो है नॉलेज, सेकंड कॉम्प्रीहेंशन, थर्ड इज़ एप्लीकेशन, फोर्थ इज़ एनालिसिस, फिफ्थ इज़ सिंथेसिस, सिक्स्थ इज़ इवेल्युएशन। नॉलेज, नॉलेज मीन्स कि कैसे आप बिहेवियर, कैसा, इसके अंदर इंक्लूड क्या होता है हमारा, आपका बिहेवियर, टेस्ट सिचुएशंस, जिसके बेसिस पे आप चीज़ों को याद करते हैं। राइट, फर्स्टली इसके अंदर भी थ्री स्टेप्स हैं, थ्री कैटेगरीज हैं, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक, नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद द स्पेसिफिक, एंड थर्ड इज़ योर नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्शन। नॉलेज ऑफ स्पेसिफाई का मतलब है हमारा कि ये इम्प्लाई करता है कि कैसे एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के ऊपर कि इन चीज़ों को हम लोग कैसे याद करते हैं। नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी का मतलब है कि हम नॉलेज, किस चीज़ की नॉलेज, नॉलेज ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल सिंबल्स की। ठीक है, और ये हमारी ऑर्डिनरी इनकी रेफरेंस होती है, जबकि नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, इवेंट्स, डेट्स, पर्सन, प्लेस, ये सब चीज़ें होती हैं। और इस टाइप के हमारा जो नॉलेज होती है वो रिलेट होती है हमारे जर्नल मैग्नीट्यूड के साथ, किस चीज़ के, ऑफ अ फिनोमेना, किसी भी फिनोमेना के जर्नल मैग्नीट्यूड के साथ रिलेटेड होती है। नेक्स्ट आता है हमारा नॉलेज ऑफ वेज एंड डीलिंग एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफाई, मीन्स कि आप कैसे उस नॉलेज के डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, उनके कौन से किस तरह से आप उस स्पेसिफाई के साथ डील करते हैं, कौन कौन से तरीकों के साथ। राइट, मींस आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, कैसे जज करते हैं, कैसे क्रिटिसाइज करते हैं। तो इसके अंदर हमारा मेथड ऑफ इंक्वायरी आता है, क्रोनोलॉजी आती है, सीक्वेंस, स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट आता है। तो ये वाली जो है ब्लॉम ने इस कैटेगरी को, मतलब उसने जो वेज और मेथड्स हैं डीलिंग के, उसको फाइव कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज़ योर नॉलेज ऑफ कन्वेंशन, सेकंड इज़ नॉलेज ऑफ ट्रेंड एंड सीक्वेंसेस, थर्ड इज़ नॉलेज ऑफ क्राइटेरिया, फोर्थ इज़ नॉलेज ऑफ मेथडोलॉजी, फिफ्थ इज़ नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज। ये थी, उसने कैटेगरीज में डिवाइड किया था। थर्ड था हमारा नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल्स एंड एब्स्ट्रैक्शन। इन नॉलेज ऑफ योर यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्शन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लॉज के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में, जर्नलाइजेशन के बारे होती है, और ये थ्योरीज और स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इसके अंदर प्रोफेसर ब्लॉम ने टू फॉर्म्स ऑफ नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल दी गई हैं। फर्स्ट इज नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एंड जर्नलाइजेशन,
सेकेंड इज नॉलेज ऑफ थ्योरीज एंड स्ट्रक्चर्स. नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन. राइट, कॉम्प्रिहेंशन जो है ये बेस्ड है हमारी नॉलेज के ऊपर. अगर कोई नॉलेज नहीं है तो कोई कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर सकते. कॉम्प्रिहेंशन का मीन्स है हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी किसी भी फैक्ट्स की, किसी भी आइडिया की, किसी भी मेथड की, किसी भी प्रोसेस की, किसी प्रिंसिपल की और किसी भी थ्योरी की. राइट, जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर थ्री टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं. फर्स्ट इज़ ट्रांसलेशन, सेकेंड इज़ इंटरप्रिटेशन एंड थर्ड इज़ एक्स्ट्रापोलेशन. ट्रांसलेशन का मतलब है कि स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो चीज़ों को ट्रांसलेट करें और उसको समराइज करें और अपनी कम्युनिकेटेड लैंग्वेज में, मींस कैसे हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं कॉमन लैंग्वेज में, उसे ट्रांसलेट करें, उसे समराइज करें अपने वर्ड्स में. दैट इज़ योर ट्रांसलेशन. मींस ट्रांसलेशन की जो एबिलिटी है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए. फर्स्ट, आपका ट्रांसलेशन ऑफ वन लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन टू सम अदर लेवल ऑफ लेवल और एबिलिटी टू समराइज. सेकेंड इज़ ट्रांसलेशन ऑफ वन सिंबलिक फॉर्म टू अनादर. थर्ड इज़ योर ट्रांसलेशन फ्रॉम वन वर्बल फॉर्म टू अनदर फॉर्म. राइट, सेकेंड इज़ योर इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन मीन्स कि आप कैसे उसे एग्जाम्पल्स देके कैसे एक्सप्लेन करते हो चीज़ों को, कैसे डिस्क्रिमिनेट करते हो, कैसे क्लासिफाई करते हो, रीअरेंज करते हो. दैट इज़ योर इंटरप्रिटेशन. एक्स्ट्रापोलेशन मीन्स यहाँ पर जो है ये इम्प्लाई किया जाता है कि हम कैसे एस्टिमेट करें, कॉम्प्रिहेंड करें कि हम लोग जो है किस चीज़ को, तो यूज़ ऑफ नॉलेज. ठीक है, नॉलेज के यूज़ को हम कैसे कर सकें. दैट इज़ योर एक्स्ट्रापोटेशन, एक्स्ट्रापोलेशन. नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन. एप्लीकेशन मीन्स जो भी हमने आइडियाज़ लिए हैं, जो भी प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, जो भी थ्योरीज पढ़ी हैं, उनको आप कैसे अप्लाई करते हो ताकि आप चीज़ों को बहुत अप्रोप्रिएटली सीख सको, लर्न कर सको. ठीक है, इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास तीन लेवल्स होते हैं. फर्स्ट इज़ जर्नलाइजेशन. राइट, सेकंड इज़ डायग्नोसिस एंड थर्ड इज़ एप्लीकेशन ऑफ कंटेंट और टर्म्स एंड लॉज बाय द पीपल. इज़ इट क्लियर, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को. नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस. एनालिसिस का मतलब है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हायर लेवल. ठीक है, कैसे आप चीज़ों को एनालाइज करते हो, जो बेस्ट पॉसिबल वे है. ठीक है, नॉलेज का, कॉम्प्रिहेंशन का और एप्लीकेशन का, वो सारी चीज़ें हमारी एनालिसिस करते वक्त यूज़ होती हैं. जो एनालिसिस ऑब्जेक्टिव होता है वो कंसिस्ट करता है हमारा डिवीजन को और कंटेंट को इनटू एलिमेंट्स और उनके म्यूचुअल रिलेटेड होता है, उनके साथ म्यूचुअली रिलेटेड होता है. जो हमारा एनालिसिस ऑब्जेक्टिव है उसके तीन लेवल हैं, एनालिसिस ऑफ एलिमेंट, एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप एंड एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रिंसिपल. फिफ्थ इज हमारा सिंथेसिस. सिंथेसिस मीन्स क्रिएटिव ऑब्जेक्टिव. ठीक है, यहाँ पर जो एम है वो ये होता है कि एक लर्नर जो है वो अपनी जितनी भी उसने सीखी हैं चीज़ें उनसे कैसे क्रिएटिविटी क्रिएट कर सकता है. दैट इज़ योर सिंथेसिस. राइट, इसके अंदर भी तीन लेवल्स हैं. फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन ऑफ यूनिक कम्युनिकेशन, सेकंड इज़ प्रोडक्शन ऑफ प्लान और प्रपोज सेट ऑफ ऑपरेशन, थर्ड इज़ योर डेरिवेशन ऑफ अ सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन. जो पहला है हमारा प्रोडक्शन ऑफ यूनिक कम्युनिकेशन, इसके अंदर क्या होता है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे जिसके अंदर राइटर है और स्पीकर है वो अपने आइडियाज़ को कैसे कन्वे करता है, अपनी फीलिंग्स को कैसे कन्वे करता है. That is something which is related to your unique communication. Second है हमारा production of plan और proposed set of operation. इसके अंदर जो है development के ऊपर काम किया जाता है. ठीक है, operations के ऊपर काम किया जाता है कि कैसे आप अपने plan को propose करते हैं, कैसे उसको execute करते हैं. That is वो इस चीज़ के अंदर आता है. Third है हमारा derivation of a set of abstract relation. Means इसके अंदर जो है हमारी development होती है इन रिलेशंस की, कि वो कैसे क्लासिफाई करता है चीज़ों को, कैसे एक्सपोर्ट करता है चीज़ों को. दैट इज़ दैट कम्स अंडर योर डेरिवेशन ऑफ अ सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन. सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट फॉर योर कॉग्निटिव डोमेन इज़ योर इवेल्युएशन. इवेल्युएशन मीन्स इवेल्युएट करना, स्टूडेंट को इवेल्युएट करना, जो भी उसने पूरा ऊपर सीखा है थ्रू नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस, उसके थ्रू
उसने जितना भी सीखा है उसको एनालाइज करना, उसे इवेल्यूएट करना कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि वो चीज़ों को अप्रोक्सीमेटली कैसे वैल्यू करता है, जज करता है, दैट इज़ योर इवेल्यूएशन। ये इसके भी टू स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट इज़ इंटरनल जजमेंट, सेकेंड इज़ एक्सटर्नल जजमेंट, राइट। सेकेंड हमारा डोमेन है वो है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो होता है ये कंसर्न्ड होता है हमारा इंटरेस्ट, इमोशन, एप्रिसिएशन, एटीट्यूड और मेंटल टेंडेंसी और वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड होता है एक स्टूडेंट की। जो टीचर है उसको उसका काम क्या होता है इसके अंदर कि उसे स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट बिल्डअप करना होता है, दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर टीचर, ठीक है। ब्लॉम ने जो साइंटिस्ट हैं, कुछ ब्लॉम साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसकी जो है ऑब्जेक्टिव को कैटेगराइज किया है, क्लासिफाई किया है, करेक्टराइज किया है। फर्स्ट इज़ योर रिसीविंग, सेकंड इज़ रिस्पॉन्डिंग, थर्ड इज़ वैल्यूइंग, फोर्थ इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ इज़ करेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यूज़। रिसीविंग मीन्स इनिशियल, ये जो है ये इनिशियल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्टिव के, जिसके अंदर जो जो है हमारी इफेक्टिव डोमेन से रिलेट है। रिसीविंग का मतलब जो है बंदे ने, बच्चे ने कितना रिसीव की है नॉलेज, दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर रिसीविंग, ठीक है। ये डायरेक्टली भी हो सकती है, ये डायरेक्टली ही रिलेटेड होती है कि बच्चा कितना सेंसिटिव है, कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसका जब वो कोई एक्टिविटी कर रहा है या किसी किसी चीज़ को पढ़ रहा है। इसके भी, इस ऑब्जेक्टिव के भी थ्री एक्टिविटीज़ होती हैं इसके अंदर। फर्स्ट होती है अवेयरनेस ऑफ फिनोमिना, सेकेंड इज़ विलिंगनेस ऑफ टू रिसीव फिनोमिना, थर्ड इज़ कंट्रोल्ड और सिलेक्टेड अटेंशन, ठीक है। जो अवेयरनेस ऑफ फिनोमिना है, नाम से ही पता चल रहा है कि फिनोमिना को अवेयर करना, मीन्स बच्चे को बताना कि एक्चुअल में इसमें है क्या चीज़। थर्ड है विलिंगनेस ऑफ रिसीविंग फिनोमिना, बच्चे के अंदर ये पावर, ये कैपेबिलिटी इनबिल्ट करना कि उसके अंदर कि विलिंगनेस हो कि मुझे ये काम सीखना है। थर्ड, जब वो काम वो कर रहा है तो उसको टॉलरेशन, उसकी टॉलरेशन पावर को इंक्रीज करना, उसको इतना कंट्रोल्ड वे में प्रेजेंट कर सके ताकि वो चीज़ों को, दैट इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू, विच इज़ कम विच कम अंडर योर रिसीविंग। सेकेंड इज़ योर रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग मीन्स जो भी रिसीव किया है उसको रिस्पॉन्ड करना। एक बार बच्चे ने कुछ चीज़ सीख लिए, कुछ आइडिया उसको, मतलब चीज़ सीखी है, कोई बात बोली है मैंने, तो उसके साइमल्टेनियसली उस बात पर रिस्पॉन्ड करना, दैट इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर रिस्पॉन्डिंग। इसके भी तीन लेवल हैं, फर्स्ट इज़ योर ऑबिडियंस फॉर रिस्पॉन्डिंग, सेकेंड इज़ विलिंगनेस टू रिस्पॉन्ड, एंड थर्ड इज़ सेटिस्फेक्शन इन रिस्पॉन्स। मीन्स फर्स्ट स्टेप का क्या कहने का मतलब है कि जो लर्नर है वो चीज़ों को रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। जो अगर टीचर ने कहा कि आपको रिस्पॉन्ड करना है, उसको वो रिस्पेक्ट करते हो, वो रिस्पॉन्ड करें। सेकेंड है विलिंगनेस टू रिस्पॉन्ड, मतलब जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसके अंदर ये विलिंगनेस होनी चाहिए कि मुझे रिस्पॉन्ड करना है, मुझे आंसर देना है, राइट। थर्ड स्टेप है सेटिस्फेक्शन इन रिस्पॉन्स, उस बच्चे को इतनी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि जो उसने आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग वो उस आंसर से सेटिस्फाइड है, वो खुश है जो उसने दिए है। अनसेटिस्फाइड आंसर्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा वैल्यूइंग, जो भी रिसीव किया है, जो भी रिस्पॉन्ड किया है उसको वैल्यू करना, ठीक है, उस बात की कद्र करना, उस बात की वैल्यू करना, दैट इज़ योर वैल्यूइंग, ठीक है। वैल्यूइंग के अंदर मतलब कद्र करना, किसी भी चीज़ की कद्र करना ही आएगा, किसी थिंग, किसी चीज़ की, किसी फिनोमिना की, किसी बिहेवियर की। इसके अंदर भी तीन टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, फर्स्ट इज़ योर एक्सेप्टेंस ऑफ वैल्यू, सेकेंड इज़ प्रेफरेंस फॉर अ वैल्यू, एंड थर्ड इज़ कमिटमेंट टू अ वैल्यू। एक्सेप्टेंस ऑफ अ वैल्यू का मतलब होता है कि इमोशनली आप उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो। सेकेंड होता है जो आपने चीज़, जो आपने वैल्यू देखी है उसको आप प्रेफर भी कर रहे हो, मीन्स बिहेवियर एट दैट दिस लेवल इम्प्लाइज योर प्रेफरेंस फॉर द वैल्यू, मीन्स आप उस बात को प्रेफर भी कर रहे हो। कमिटमेंट टू द वैल्यू, मतलब स्टूडेंट जो है वो इस वैल्यू के ऊपर कमिटेड हो, ठीक है,
उसकी कमिटेड, उसकी वैल्यूज़ के उसको बताए. जैसे फॉर एग्जांपल सम पर्सन आर कमिटेड टू देयर वर्क, मीन्स हम ये कहते हैं ना कि ये बंदा जो है वो अपने काम के प्रति बहुत कमिटेड है, मीन्स जो उसकी वैल्यूज़ हैं कि मुझे अपना काम करना है तो वो फुल डेडिकेशन के साथ कर रहा है, मीन्स वो कमिटेड है उस काम के लिए. दैट इज़ योर समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू दिस थिंग. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो हमने काम रिसीव किया है, रिस्पॉन्ड किया है, और जिन वैल्यूज़ को हम, जिन चीज़ों को हम वैल्यू कर रहे हैं उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कैटेगराइज करना, दैट इज़ समथिंग ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू. मतलब यहाँ पर स्टूडेंट को एक कुछ ऑर्डर दिया जाए किसी भी वैल्यू का, ठीक है, तो उसको सिचुएशन में कैसे बैठाना है कि कौन सा काम पहले करना है कौन सा बाद में, वो होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन. इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे फर्स्ट होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यू इन अ सिस्टम, सेकंड डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंटर रिलेशन अमंग देम, थर्ड इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डोमेन वैल्यू. इज इट, यहाँ तक आप सबको, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा कि क्या चीज़ है. जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है उसके दो लेवल्स होते हैं, फर्स्ट इज कंसेप्चुअल ऑफ कंसेप्चुलाइजेशन एंड सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यू सिस्टम. कंसेप्चुलाइजेशन मींस चीज़ों को कंसेप्ट के थ्रू, मींस जो क्वालिटी है हमारी एब्स्ट्रैक्शन की या फिर कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट हैं उनको ऐड किया जाए ताकि जो एक इंडिविजुअल है जो उसको पढ़ रहा है वो चीज़ों को और अच्छी तरह से रिलेट कर सके. सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यू सिस्टम, मींस जो चीज़ें आपने बताई हैं उनको आप एक सिस्टम के अंदर कैसे बिठाते हो, दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ वैल्यू सिस्टम. लास्ट है हमारा करेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यू, मीन ये हाईएस्ट लेवल होता है इस कैटेगरी का, ये फिफ्थ और लास्ट है. और इसके अंदर क्या बात होती है, जो बच्चे ने ऊपर सीखा है, जो उसके अंदर कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, उसको वो किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, उसको करेक्टराइज कर रहा है, कैसे शो कर रहा है, दैट इज़ समथिंग जो है कि आप करेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर वैल्यू. मीन्स एट अप टू दिस एज द लर्नर हैज़ द एबिलिटी टू इम्बाइड ऑल द असेंशियल इफेक्टिव बिहेवियर, हेयर लर्नर इज डेस्टिनिफाइड टू इम्बाइड टिपिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ हिज इंडिविजुअल करेक्टर. फॉर एग्जाम्पल, और यू कैन से दैट इज द लाइफ स्टाइल ऑफ हिज ओन, मीन्स उन चीज़ों को अपनी लाइफ स्टाइल में, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना, दैट इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ वैल्यू, राइट. इसके भी दो लेवल्स हैं, फर्स्ट है जर्नलाइज सेट एंड सेकेंड इज करेक्टराइजेशन. जर्नलाइज सेट, इसके अंदर क्या होता है, जो क्या होता है इसमें हमारा जो बिहेवियर होता है, ठीक है, बिहेवियर लेवल होता है वो प्रोवाइड करता है हमारा इंटरनल कॉन्स्टेंसी, ठीक है, एक सिस्टम को, तो और उसको वैल्यू भी करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, कि जब हम किसी सिस्टम के थ्रू हमारा जो है उसका बिहेवियर लेवल को देखकर हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या एटीट्यूड होता है, किस तरह से वैल्यू करते हैं, वो जर्नलाइज सेट के अंदर आता है. ये इसके अंदर सेलेक्टिव रिस्पॉन्डिंग होती है. सेकेंड है करेक्टराइजेशन, इसके अंदर मतलब जो है ये हमारा इंटरनलाइजेशन का जो है प्रोसेस जो होता है उसकी पीक होती है, और इसके अंदर ब्रॉडकास्ट ऑब्जेक्टिव भी होता है, जिसके रिस्पेक्ट में फिनोमिना जो कवर हुआ है और रेंज ऑफ बिहेवियर जो इसको कंप्राइज करता है, यहाँ पे जो लर्नर है वो डेवलप करता है फिलॉसफी ऑफ लाइफ, ठीक है. लास्ट जो है डोमेन, दैट इज़ योर साइकोमोटर डोमेन, ठीक है. यहाँ पर ये जो डोमेन है ये कंसर्न्ड है हमारा ट्रेनिंग से रिलेटेड, मीन्स स्टूडेंट की फिजिकल एक्टिविटीज़, उनकी ट्रेनिंग, उनकी डेवलपमेंट स्किल्स की, उनसे रिलेटेड. इसके मेन कुछ लेवल्स हैं, फर्स्ट इज़ इमिटेशन, सेकंड इज़ मैनिपुलेशन, थर्ड इज़ प्रिसीजन, फोर्थ इज़ आर्टिकुलेशन एंड फिफ्थ इज़ नेचुरलाइजेशन. इमिटेशन का मतलब जो है कि मतलब यहाँ पर ड्राइंग सर्वे किया जाना स्किल्स का, जब टास्क शुरू किया जाए
तो उसको ऑब्जर्व करना कि कैसे जो है चाइल्ड ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, डेमोन्स्ट्रेट करता है चीज़ों को, ड्रॉ करता है, दैट इज़ समथिंग इमिटेशन, ठीक है। उनको बच्चे नकल करना, अगर हम हिंदी में बोले नकल करना, दैट इज़ इमिटेशन। सेकेंड है मैन्युपुलेशन, सेकेंड कैटेगरी जो है इसकी वो है मैन्युपुलेशन, मतलब जो लर्नर है उसने जो चीज़ें एक्वायर करी हैं इमिटेशन के थ्रू, उनको वो अपने आप कैसे मैन्युपुलेट करता है, कैसे डायरेक्शन देता है, कैसे एक्शन में लाता है, दैट इज़ योर मैन्युपुलेशन। थर्ड इज़ योर प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है इस कैटेगरी के अंदर जो लर्नर है वो परफॉर्म करता है कुछ एक्ट्स को, स्किल एक्ट्स को, ठीक है, और जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी उनके अंदर प्रॉपर प्रिसीजन होना चाहिए, मींस करेक्टनेस हम कह सकते हैं, एक्यूरेसी कह सकते हैं। फोर्थ इज़ योर आर्टिकुलेशन, मींस यहाँ पर जो लर्नर है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो कोऑर्डिनेट कर सके एक सीरीज़ के साथ, ठीक है, और वो अप्रोप्रिएट सीक्वेंस प्रेजेंट कर सके, राइट, दैट इज़ योर आर्टिकुलेशन। लास्ट इज़ योर नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन इज़ योर लास्ट स्टेप फॉर दिस। इसके अंदर जो स्टूडेंट है, लर्नर है, वो कैपेबल होता है कि वो एक सिंगल एक्ट परफॉर्म कर सके या फिर सीरीज ऑफ आर्टिकुलेट एक्ट कर सके विद ग्रेटर रिफाइनमेंट, ओके, ईज के साथ कर सके, कंफर्टेबली कर सके और लोगों को कन्विंस कर सके, दैट इज़ योर नेचुरलाइजेशन। उसके अंदर से जब वो बात करे, उस चीज़ को प्रेजेंट करे, वो नेचुरली आना चाहिए, ना कि ये आना चाहिए रटा रटाया काम, सो दैट इज़ योर समथिंग नेचुरलाइजेशन। आई होप आपको ब्लॉम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव समझ आ गई होगी। अगर आपको ये समझ आ गई है सो और पसंद आई है ये वीडियो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई वेलकम योर डाउट्स, ओके, जस्ट आस्क द डाउट्स इन योर कमेंट सेक्शन। थैंक यू।